नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, कक्षा 10वीं, और मैं हूं आपके वर्चुअल क्लास टीचर पूर्णिमा पांडे। इतिहास के अध्ययन में संग्रहालय और पुस्तकालय का जो महत्व है उसे बताना आना। जब हमारे विद्यार्थी इस पाठ का गहराई से अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद उनके अंदर जिन क्षमताओं का विकास होगा क्षमताओं के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इतिहास के अध्ययन द्वारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव होता है, यह भावना भी विद्यार्थियों के अंदर विकसित होगी। इतिहास का समन्वय अन्य अध्ययन क्षेत्रों के साथ स्थापित करने में वे समर्थ होंगे। और इस पाठ में पढ़ने वाले जो मुख्य मुद्दे हैं वे हैं इतिहास के साधन और उनका संरक्षण, दूसरा है कुछ विख्यात संग्रहालय, ग्रंथालय और अभिलेखागार, और कोश। तो ये अंतिम जो दो मुद्दे हैं इनका अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे इतिहास के साधन और उनके संरक्षण के बारे में, और कुछ विख्यात संग्रहालयों की हम सैर करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कुछ ग्रंथालयों और अभिलेखागारों की एक झलक। ग्रंथालय अर्थात ग्रंथों का आलय, आलय अर्थात होता है घर, ग्रंथ हम सब जानते हैं, तो ग्रंथों का घर यानी ग्रंथालय। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, जहां विद्या का घर है, जहां विद्या का वास होता है, तो उसी तरह ग्रंथालय जहां पुस्तकें, जहां ग्रंथ रहती हैं। संग्रहालय जहां चीजों का संग्रह किया जाता है, संग्रह की गई वस्तुओं का घर या आलय वो संग्रहालय। यह है हमारे अभिलेखागार, और ये तो हम जान ही रहे हो ग्रंथालय। तो अब ग्रंथालय क्या है, संग्रहालय क्या है और अभिलेखागार क्या है, इनके बारे में हम अपने इस पाठ में पढ़ते चलेंगे। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन करने और उनमें से विशिष्ट दस्तावेजों, अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स, ग्रंथों, पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय, उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उनके द्वारा शोध कार्यात्मक पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है। इतिहास के साधन और उनका संरक्षण, ये है हमारे ऐतिहासिक धरोहरें, हमारी ऐतिहासिक विरासतें, और इन साधनों का संरक्षण कैसे करते हैं उसकी एक प्रक्रिया है, उसके एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें कि हम इन इतिहास के साधनों को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनकी एक सूची बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, वो प्राकृतिक हैं, मानव निर्मित हैं, सांस्कृतिक हैं, तो उनको एक लिख कर, उनका लेखन करके उनकी एक सूची बनाते हैं। उसके बाद इन साधनों की साफ सफाई करना। बच्चों, हम देखते हैं अपने आसपास के, हम अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं,
घर में हम रोज झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद और क्या करते हैं आप सोचो। अब आपके दिमाग में आने लगा, हम अपने बर्तन घिसते हैं, अपने हम जो हमारे कपड़े हैं उनको हम धोते हैं, बाथरूम है, टॉयलेट्स है, वॉशरूम है, उनको साफ सफाई करते हैं, साल में एक आध बार अपने घर में पेंटिंग करते हैं, रंग रोगन करते हैं, चूना लगाते हैं, कपाट वगैरह जो है घर के, बर्तन जो है, बर्तन रखने का स्टैंड है, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं ना, उन पर जमी धूल को झाड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर हम अपने घर का रख रखाव करते हैं। लंबे समय तक हमारा घर अच्छा बना रहे, मजबूत बना रहे, तो उसकी हम एक लिस्ट करते हैं कि हमें घर में क्या क्या काम करना है। घर में यदि बाहर से पानी लीकेज होता है तो हम बाहर से उसको तोड़फोड़ करके उसका नया प्लास्टर करते हैं, वाटर प्रूफिंग डालते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो इसका मतलब हम अपने घर का रख रखाव करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो उसी तरह से जो ये हमारे भौतिक साधन हैं उनकी हम देखभाल करते हैं, वो लंबे समय तक हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हें देख सके, उनके बारे में जान सके, इसके लिए उसकी रंग रोगन करना, उसकी पेंटिंग करना, उसमें लीकेज को दुरुस्त करना, उसके झाड़ना पोछना ताकि धूल ना बैठे, इस तरह से बहुत सारे हम कार्य करते हैं। और वो कैसे करते हैं इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और इसके बाद है, ये सब करने के बाद उन्हें आम जनता के लिए प्रदर्शित करना, ताकि जनता भी आए और अपनी समृद्ध गौरवशाली विरासतों से परिचित हो सके। इतिहास के साधन और उनका संरक्षण। तो इसमें हमने जैसे देखा, इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन और लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप, भौतिक साधनों की साफ सफाई करना। यानी हमने भौतिक साधन कौन कौन से हो सकते हैं, ये भौतिक साधन हो सकते हैं हमारी पांडुलिपियां, हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारी पुरानी वस्तुएं, और उन्हें आम जनता के लिए प्रदर्शित। जो सबसे पहले तो हम यह चर्चा कर ले कि ये जो हमारा पाठ है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप पाठ है। थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे सुनने में कि अरे कितना बोरिंग है, क्या सुनना इसे, लेकिन बच्चों ये बहुत ही काम का और उपयोगी पाठ है। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेंगी। तो आप इसे जैसे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं, एक इंफॉर्मेटिव कोई हम फिल्म देखते हैं जिससे हमें सिर्फ जानकारी मिलती है, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेंगी। तो आप इस पाठ को पढ़ते समय, पाठ को देखते समय, पाठ को सुनते समय अपने एक दृष्टिकोण बनाए रखें कि हमें इस पाठ के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, अभिलेखागार, यह शब्द कई बार अपनी स्लाइड में आ चुका है और आप सोचते होंगे ये अभिलेखागार क्या बला है। तो अंग्रेजी में इसे हम आर्काइव्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं, फिल्म आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट्स तो हम रखते ही रखते हैं, फिल्म आर्काइव्स जहां पर पुरानी फिल्मों को रखा जाता है। तो आज हम जिन अभिलेखागार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन क्यों, क्योंकि वे पब्लिक के लिए रोजमर्रा के जीवन में उनका उपयोग नहीं है कुछ भी, और पब्लिक हर सामान्य जनता को उसका कोई महत्व भी नहीं महसूस होगा, उसका जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उसका वो। तो लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। पुराने ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, अब वो सामान्य जनता के लिए रोज उसका कोई महत्व नहीं है, और यदि हम उनके सामने रख भी दें तो उसको वो न पढ़ पाएंगे। कई लिपियां ऐसी हैं, प्राचीन लिपियां, जिन्हें आज हम वर्तमान में सामान्य जनता नहीं पढ़ सकती। तो जैसे हम तो अभी देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं हिंदी मराठी भाषा, लेकिन प्राचीन जैसे ब्राह्मी लिपि है, मोड़ी लिपि है जिसे घसीटा या सर्राफा लिपि भी कहा जाता है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी लिपियां हैं जिनके बारे में सामान्य जनता नहीं जानती, लेकिन उन लिपियों में लिखे हुए दस्तावेज तो हैं हमारे सामने। तो इन्हें जहां पर संभाल कर रखा जाता है, वहां बड़े बड़े कपाट होते हैं,
ऐसे धातुओं से बने होते हैं कि जिनमें जंग न लगे, जिनमें कीड़े न लगें, जिनमें दीमक न लगे, क्योंकि पुराने पन्ने होते हैं उनमें कई बार कीड़े लग जाते हैं। लकड़ी का कपाट है या लोहे का कपाट है, लोहे का कपाट है तो जंग लगने की संभावना रहती है, लकड़ी का कपाट है तो वो लकड़ी पुरानी होने पर सड़ने की संभावना रहती है, या कीड़े लगने की बात होती, तो ऐसे सब चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, उन साधनों को भी और हमारे दस्तावेजों को भी। केवल कपाट को संरक्षित करना, दीमक लग न लगे इसलिए उसमें केमिकल लगा देना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके साथ साथ जो पेपर्स वहाँ रखे गए हैं वो पेपर भी खराब ना हो, क्योंकि आपने कई बार देखा है कि जब पन्ने बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो उनको छुओ तो अपने आप पन्ने फटने लगते हैं, उनको हम पलट नहीं सकते अपने हाथ से उठाकर, या पन्ने पीले पड़ जाते हैं, उस पर लिखा हुआ जो है, जो उसकी स्याही है वो स्याही धूमिल पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें न हो, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उन दस्तावेजों का अध्ययन कर सकें, तो इसके लिए बहुत सारे रासायनिक लेप लगाकर उन चीज़ों को संरक्षित किया जाता है। तो ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, ये जो भौतिक प्रक्रिया है उनको संभाल कर रखने की, ये सब चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, तो इन्हें हम रखते हैं अभिलेखागार में, और वहाँ अभिलेखागार में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे मैंने बताया आपको। ये एक झलक है हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की, नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, ये दिल्ली में है। वयम अभिलेखान रक्षामः, जो हमारे अभिलेख हैं हमें उनकी रक्षा करनी है, ये इसका मोटो है, ब्रीद वाक्य है इसका। ये दिल्ली में स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास जो है उसके घटक कौन कौन से हैं, इतिहास किन किन चीजों से बनता है। बच्चों, कक्षा छठी से हम इतिहास के घटक और इतिहास के साधनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं जो 3 सालों का एक निचोड़ हमारे सामने है कि इतिहास जब बनता है तो इतिहास में व्यक्ति होता है प्रमुख, समाज होता है, कोई ना कोई स्थान होता है जहां पर वो घटना घटित हुई हो, और एक कालखंड होता है, एक समय होता है। आज से 7 से 8 हजार साल पहले हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ है, उसके पहले रामायण में हम जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, तो हम वहाँ राम रावण के युद्ध के बारे में हम अध्ययन करते हैं वहां पर। तो एक कालखंड है, यानी आज हम बोलते हैं ना 5 हजार साल पहले, 7 हजार साल पहले, या हम और आधुनिक हम आगे चले उस प्राचीन समय को छोड़कर, तो हम सिकंदर का भारत पर आक्रमण देखते हैं 326 BC के आसपास है। उसके बाद हम देखते हैं सम्राट अशोक, जिन्हें प्रियदर्शी सम्राट कहा गया, उन्होंने पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप है पूरे हर एक क्षेत्र पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये सब घटनाएं कब घटित हुई, एक समय में घटित हुई, कहाँ घटित हुई, तो भारत और उसके आसपास के जो परिसर में, और उस समय एक समाज था और एक व्यक्ति था। तो ये सारे घटक मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं, और किसी भी घटना को, घटित हुई घटना, हमारी दादी ने बताया, हमारी नानी ने बताया, हमारे काका ने बताया, हमारे मामा ने बताया, हमारे फला दोस्त ने बताया, तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो इतिहास बन गया। वो एक आधार हो सकता है, लेकिन वो इतिहास कब बनता है, जब उसके विश्वसनीय प्रमाण मिलते हैं। कोई भी कपोल कपित घटना हम बता दिया हमने कि ये कल्पित घटना, किसी का हमने वर्णन कर दिया कि भाई हमारे 50 साल पहले हमारे दादी ने ऐसा बताया था, या मेरे किसी साथी ने ऐसा बताया, तो वो इतिहास नहीं बन जाता। उस घटना को एक हमने आधार बना लिया और उसकी विश्वसनीयता पहले हम तलाशते हैं, तो जब उसके विश्वसनीय प्रमाण मिल जाते हैं तब वो घटना इतिहास कहलाती है। तो व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, इन सब का विश्वसनीय प्रमाण हमें चाहिए। जैसे आज हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण की नगरी है द्वारिका, और द्वारिका में उनकी राजधानी थी और बहुत बड़े बड़े महल थे, इतना ऐश्वर्य था, ये था, तो क्या ये केवल कहने से इतिहास बन गया? नहीं। जब इसके बारे में इतिहासकारों ने खोजबीन प्रारंभ की, तो द्वारिका के पास जो समुद्र है वहां पर, जब गहराई में उतरे, वहां पे हमारे गोताखोर उतरे, तो उनको बहुत सारे पुराने महलों के अवशेष मिले, बहुत सारे पुराने बर्तन मिले, और जब उनका कालखंड निर्धारित किया गया रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, एक जो भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा, तो जब उनका कालखंड देखा गया तो मालूम पड़ा कि ये 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व के ये बर्तन हैं, 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व के ये हमें
स्तंभ मिले हैं, महल के अवशेष मिले हैं, तब लगा कि हाँ, जो हम अध्ययन करते थे कि द्वारिका नगरी जो थी भगवान कृष्ण की, वो समुद्र में डूब गई थी। तो कैसे समुद्र में डूबी होगी, कैसा वहां पे सुनामी आई होगी, और आज भी वो सारे अवशेष समुद्र की अतल गहराइयों में दफन हैं, वहां हैं। तो जब इसकी विश्वसनीयता मिली कि नहीं भाई, ये खाली ऐसा कहानी नहीं है कि वहां पर द्वारिका थी और भगवान कृष्ण जी रहते थे, सचमुच वहां पे भगवान कृष्ण एक महामानव के रूप में, यदि हम सोचें कि भाई वो एक महामानव थे, हम सब एक साधारण मानव हैं, हम उन्हें महामानव कहते हैं, तो महामानव के रूप में वो वहां राज करते थे, उनकी राजधानी थी और उनके अवशेष वहां मिल रहे हैं, तब वो इतिहास बनता है। तो इतिहास के लिए विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अब हम देखेंगे इतिहास के कुछ साधनों के बारे में। इसके बारे में आप सब जानते हो, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। ये आपके कक्षा छठी से लेकर कक्षा नौवीं तक का जो इतिहास आपने पढ़ा, उसका एक पुनरावर्तन भी आप समझ लो। तो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं, संरक्षण एवं संवर्धन। संरक्षण, उसे उसकी रक्षा करना, और संवर्धन, उसको इस तरह से रक्षा करना और आगे बढ़ाना ताकि और लोग भी उस चीज को देख सके, उसका लाभ उठा सके, उससे लाभान्वित हो सके। हमने संरक्षण और संवर्धन की चर्चा पिछले पाठ में भी की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक साधनों के बारे में। मौखिक साधन आप सब समझ ही गए होंगे कि मौखिक मतलब जो मुंह से कहा जाए। आपकी मौखिक परीक्षाएं होती है ना, ओरल एग्जाम्स, उसी तरह से हम मौखिक साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला मुद्दा है मौखिक साधनों का, लोक परंपरा के गीत, कहानियां, ये सब जो हैं, ये मौखिक श्रुत परंपरा से आगे चलती हैं। संकलित साहित्य सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, अन्वयार्थ स्थापित करना। तो लोक परंपरा में, हमारे देश में एक समृद्ध लोक परंपरा रही है, गीतों की, नृत्यों की, अनेक चीजों की। हम यहाँ पर मौखिक साधन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गीतों की और कहानियों की बात करते हैं। भारत में बहुत ही प्राचीन काल से एक बहुत अच्छी ये परंपरा रही कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग रहे, विद्वान रहे, घर के बुजुर्ग रहे, ये सब अनेक आसपास की चीजों को गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमारे नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करते रहे, बोलते रहे, और वो उस पीढ़ी ने सुना, फिर उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बताया कि अरे, हमारी दादी ने ऐसा कहा था। इन गीतों का संकलन हुआ, लोकगीतों का, इतने सारे लोकगीत है भारत में, जितनी भौगोलिक भिन्नता है उतनी ही लोकगीतों की भिन्नता है। हमारे यहाँ खेती से लेकर खेती करना, किसी बच्चे का जन्म होना, बच्चे का शादी विवाह, बच्चे की शिक्षा, हमारे घर के कामकाज, यानी हर अवसर पर गीत गाने की परंपरा। गीत गाना क्यों, मतलब खुशी मनाने की परंपरा, उत्सव आयोजित करने की परंपरा, और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कहीं लिखा नहीं रहता है कि इसको कैसे करना है, बस हम करते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो शादी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ पूजा में तो ऐसा होता है। अब जो हमारे यहाँ होता है ना, ये हमारी परंपराएं चलती रहती हैं। तो इसी तरह लोकगीतों की समृद्ध परंपरा हमारे पास है। तो ये परंपराएं जो है, इनका संकलन करना और इनका वर्गीकरण करना, फिर इनका विश्लेषण करना। पहले ही मैंने कहा विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, इसके विश्वसनीयता के प्रमाण ढूंढना। तो ये सारे हमारे मौखिक साधन। फिर अनुसंधानित मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना। तो ये सबसे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी हमें साहित्य मिला, कहानी मिली, गीत मिला, या अन्य संकलित जो साहित्य हमने जो बनाया था, उन साधनों पर अनुसंधान करना, उनका उन पर शोध करना कि ये सचमुच सही हैं, सही हैं तो किस कालखंड में इस तरह के गीत गाए जाते थे, उन गीतों में जो हमने आसपास के परिसर का वर्णन किया है, क्या वैसी भौगोलिक या सामाजिक स्थितियां थी क्या, ऐसे बहुत सारी चीजों पर हम अनुसंधान करते हैं। फिर जो हमारे अनुसंधानित साहित्य जो हमें मिला, उसके आधार पर जो हमें विश्लेषण मिला, जो निष्कर्ष मिला, उस साहित्य का प्रकाशन करना ताकि आम जनता को भी उसके बारे में जानकारी मिले।
तो ये सारे हमारे मौखिक साधन, जैसे कि मैंने कहा आपसे, हमारे देश में श्रुत परंपरा, चाहे ये भारत देश की बात हो या अन्य पाश्चात्य देशों में, हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बैठ के सत्संग किया करते थे और यहाँ अपने प्रवचनों से सामान्य जनता को अवगत करते थे, लाभान्वित किया करते थे। ये हमारे भारत देश में हम देख रहे हैं कि हमारे संत थे, जो मनीषी थे, विद्वान थे, वह एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, यानी अपनी चर्चाओं, एक दूसरे से चर्चाओं के माध्यम से वार्तालाप होता था और नई नई जानकारियों का प्रस्फुटन भी होता था। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में हम देखते हैं गुरु अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए कहानियों का प्रस्तुतिकरण करते थे। इस तरह से बहुत सारी बातें थी और जो सिर्फ श्रुत परंपरा के द्वारा आगे चलती थी। मैंने आपसे चर्चा की लोक परंपरा के गीतों के बारे में, तो भारत का तो बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है लोक गीतों का। अब इन सब के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी मिलता है, ऐसे ही नहीं हमको अभी हमको कहा कि भाई लोक गीतों के बारे में आपको संशोधन करना है तो इसके लिए हम तुरंत चल पड़े संशोधन करने के लिए। भाई उसके आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे, कौन कौन से साधनों का उपयोग करोगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, प्रशिक्षण भी होता है, समाज का प्रशिक्षण, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक और भाषा विज्ञान, यानी जो लोग इसका प्रशिक्षण देते हैं उन्हें इन सब चीजों की जानकारी होती है। हमारे समाज विज्ञान में समाज का भी एक विज्ञान है, समाज कैसे स्थापित हुआ है, समाज के कैसे आगे चलता है, किस तरह से यहाँ के क्रियाकलाप होते हैं और समाज में रहने वाले मानव की क्या विशेषताएं हैं, वो मनुष्य का व्यवहार कैसे होता है, किन नियमों का पालन करता है, नियम, सामाजिक नियम कैसे बनते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मिथक और भाषा विज्ञान, समाज में प्रचलित जो भी मिथक हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, लोक परंपराएं हैं, जिनके उसके बारे में लोगों को उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए जो इन मौखिक साधनों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। भाषा विज्ञान, यानी लोक गीतों में जो भाषा उपयोग में लाई गई है उसके बारे में जानकारी, यानी वो शब्द कैसे बना होगा, वो शब्द का उद्गम कहाँ से है, है ना। हम अपने, हमारे पास जो भाषा है उसमें हम केवल अपने देश की हिंदी, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज भाषा, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, है ना, या ऐसे अनेक संथाली, जम्मू, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, तो हम बहुत सारे भाषाओं के शब्द हमारी अपनी एक भाषा में समाहित होते हैं, तो ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनका उद्गम क्या है, शब्द कैसे बने हैं, तो ये सारी चीजों की जानकारी के लिए यानी भाषा का विज्ञान जानना ये भी जरूरी है। अगला मुद्दा है ग्रंथालय प्रबंधन। इसके बाद में ये सब चीजें हमें मिल गई तो इनका प्रबंधन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, और इनके इतिहास और इतिहास के अनुसंधान की एक पद्धति है और अनुसंधान पर लेखन। आपने शोध कर लिया, रिसर्च कर ली, तो उस रिसर्च को आप लिखोगे कैसे, उस रिसर्च को लिखने का एक सिस्टम होता है। जैसे हम लिखते हैं ना प्रश्नोत्तर लिखो, तो प्रश्नोत्तर में कुछ प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 वाक्य में लिखते हैं, कहीं पर एक वाक्य में उत्तर लिखते हैं, कहीं पर एक शब्द में उत्तर लिखते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम है साधारण रूप से। वैसे ही हम जब जो शोध या रिसर्च काम करते हैं उन रिसर्च कार्य को प्रस्तुत करने की एक सिस्टम होता है, एक पद्धति होती है, तो उसकी जानकारी और उसका किस तरह से लेखन करना है ये सबके लिए एक प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। बिना एक आवश्यक संतुलित प्रशिक्षण के हम ये सारे कार्य नहीं कर सकते। अगला हमारा मुद्दा है लिखित स्रोत। अभी तक हमने भौतिक साधनों की जानकारी प्राप्त की, अब हम देखेंगे कि हमारे लिखित स्रोत कौन कौन से हैं। तो लिखित स्रोत कौन से हैं? कार्यालयीन दस्तावेज, प्राचीन ग्रंथ जो लिखित रूप में प्राप्त हैं वो लिखित स्रोत। फोटोज, अब फोटो लिखा हुआ तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन फोटो भी एक तरह से देखा जाए तो चित्रों को लिखा ही जाता है, चित्रों का अंकन होता है, रेखांकन होता है, चित्र हो गए, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक ग्रंथ, दैनंदिनी यानी डायरी, डायरी लिखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और डायरी, प्राचीन डायरीज जो होती हैं वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज का काम करती हैं, निजी पत्र, महान व्यक्तियों द्वारा, महान विभूतियों द्वारा
जो लिखे गए पत्र है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के पत्र, महात्मा गांधी जी के पत्र, पंडित नेहरू के पत्र, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा गया पत्र, ऐसे बहुत सारे पत्र हैं जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज का काम करते हैं, क्योंकि उन पत्रों में आसपास की घटनाओं का वर्णन लेता होता है, आसपास की स्थितियों को लेकर चर्चा होती है, संवाद होता है। तो ये निजी पत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित साधन के रूप में हमारे सामने हैं। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और ताम्रपट, प्राचीन समय में तांबे की पट्टियों पर लिखे जाने की परंपरा थी, इसके बारे में आपने कक्षा छठी सातवीं में पढ़ा है। तो ये इतने सारी वैरायटीज जो है हमारे सामने है लिखित साधनों की। अब इन लिखित साधनों का संरक्षण भी कैसे होगा देखते हैं। ये सारे हैं हमारे लिखित साधन। अब जो ताम्रपट हैं, कार्यालयीन दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, निजी पत्र, दैनंदिन यानी डायरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ, इन सबका संग्रहण करना, पहले तो इनको इकट्ठा करना, संग्रह करना इनका, भाई कहाँ कहाँ से हमें उपलब्ध हो रहे हैं, फिर इनका संपादन करना, और इसके बाद इनका संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना। मैंने पहले भी चर्चा की आपसे रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में। इन दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना, जो विशिष्ट दस्तावेज हैं उनको प्रदर्शित करना, संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित करना। जैसे हम दैनंदिन बात करते हैं, अभी हमने बात की डायरी के बारे में, तो एक विश्व प्रसिद्ध डायरी है एना फ्रैंक की डायरी। ये जो एना फ्रैंक है, 15 से 16 साल की लड़की, जर्मनी की मूल नागरिक, इस डायरी में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के नीदरलैंड्स पर आधिपत्य के दौरान अपने अनुभवों को संकलित किया है। एना फ्रैंक ये छोटी सी लड़की जिसे आप देख रहे हैं, ये जो लड़की जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी यानी हिटलर ने बहुत ही अपने को विस्तार दिया था, और उसने उसकी बहुत सारी कहानियां इतिहास में हैं, बहुत सारे प्रसंग घटनाएं, कहानियों की बात मैं नहीं करूंगी, घटनाएं और प्रसंग इतिहास में हैं। तो ये जो लड़की है एना फ्रैंक, ये इसने जो ये रोज अपने अनुभव आसपास घटित घटनाओं को देख रही थी, आसपास क्या क्या बातें हो रही हैं, उस चर्चा को सुन रही थी, और उसने वो सारी बातें अपनी इस डायरी में अंकित की। अब यहाँ पे उस समय की जो फोटोज थी वो फोटो उसने इसमें लगाई है, और उससे संबंधित कोई प्रसंग है तो उसका उसने वर्णन किया है। तो इस लड़की ने, एना फ्रैंक ने अपने अनुभवों को इस डायरी में संकलित किया गया। ये डायरी उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, और जब ये डायरी प्रकाशित हुई तो उस समय जितनी भी, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी हमारे इतिहास का कि जर्मनी और हिटलर एक पहलू के दो सिक्के, एक तरह से जर्मनी का नाम आते ही पहला नाम हमारे दिमाग में हिटलर का ही आता है। तो उसमें हिटलर ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से जनता पर अत्याचार किए, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया, ये सारी चीजों को इस लड़की ने इसमें दर्ज किया है। तो ये डायरी जो थी उसकी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। तो अपनी इस डायरी के माध्यम से बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये लड़की कभी नहीं मरेगी, शारीरिक रूप से भले इसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन अब अदृश्य रूप में ये हमेशा हमेशा हम लोगों के साथ रहेगी, क्योंकि जब जब हम एना फ्रैंक की डायरी पढ़ेंगे हम उस लड़की के जीवन को महसूस करेंगे, उस समय के कालखंड को महसूस करेंगे कि अरे उस समय क्या क्या बातें हुई थी। तो इस तरह से हम सारी ये चीजों को जानेंगे। ये लड़की जब है कि नीदरलैंड्स पर नाजी ने कब्जा कर लिया, ये ऐतिहासिक प्रसंग घटना है, नीदरलैंड पर थे वहां के जो जर्मनी के नाजी लोग थे, उन्होंने कब्जा कर लिया, और यह लड़की वहां पर 2 साल तक अपने परिवार के साथ छिपी रही, और इस डायरी में उसने अपने उन सारे अनुभवों को अंकित किया है। तो ये डायरी उसके पिता ने उसकी मृत्यु के बाद ये डायरी छपी, और ये डायरी इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी पूरी दुनिया में 3 करोड़ के लगभग इस डायरी की प्रतियां छपी हैं, बिकी हैं,
और विश्व की 67 भाषाओं में इस डायरी का अनुवाद हुआ। पांडुलिपियां प्राचीन ग्रंथ हम देख रहे हैं यहां पर, इन ग्रंथों का संकलन ये हम देख रहे हैं, ताड़पत्र पे लिखी हुई कुछ प्राचीन सामग्री। अब इनको देखने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात आती है, जब हम लेखन की बात करते हैं तो बात आती है लिपि की, यानी कौन सी भाषा में वो चीज लिखी गई है। लिपि मतलब लिखने की पद्धति, लिखने का एक विशिष्ट तरीका। ब्राह्मी लिपि, घसीटा जिसे हम मोड़ी लिपि कहते हैं, या सर्राफा लिपि। सर्राफा यानी व्यापारी लोग इस लिपि का अधिक इस्तेमाल करते थे, व्यापारिक कामकाज की भाषा और लिपि दोनों थी। फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज या फारसी भाषा जैसी अनेक लिपियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, यानी भाषा के लिपि और उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए लिखित साधनों का संरक्षण करते समय। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराओं को जानना, साहित्य और संस्कृतियों को जानना, राज सत्ताओं, शासन व्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। विविध चित्र शैलियों, शिल्पकला की शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, कागजों के प्रकार, स्याही और रंगों का ज्ञान, ये भी बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार का कागज उसमें इस्तेमाल हुआ है, कागज बनने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया है, किन वस्तुओं को मिक्सचर के द्वारा, किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये कागज बना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसकी जानकारी, तो हमें मालूम पड़ता है कि यदि ये पेपर 1000 साल पुराना है तो 1000 साल पहले पेपर बनाने की कला इस जगह पर, इस देश में विकसित थी, तो पेपर कैसे बनता था और आज पेपर कैसे बनता है, तो आज के पेपर बनाने की जानकारी और प्राचीन समय में पेपर बनाने की जानकारी लोगों को थी, तो कितना विकास हुआ है और कागज बनाने में कौन कौन से हम चीजों का इस्तेमाल करते थे, उस पर स्याही, जो उस पर जिस स्याही से लिखा गया है, रंगों का ज्ञान, किस रंग की स्याही से लिखी गई है पुस्तक, या उसमें चित्र बने हैं तो किन रंगों का इस्तेमाल उन चित्रों को रंगने के लिए किया गया है, तो रंग जहाँ पर है वो रंग प्राकृतिक है, रासायनिक है, केमिकल वाले है, यानी उस समय भी हमारे लोगों को, हमारी जनता को इस सब चीजों की जानकारी थी। तो ये सब चीजों की जानकारी जब उन्हें थी तो जो अध्ययन कर रहा है उसको भी होनी चाहिए, तभी वो सही सही विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेगा। उसके बाद है उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर और धातुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी। केवल स्याही और पेपर के बारे में ही जानकारी नहीं, यदि शिलालेख हमें मिला है, पत्थरों पर कुछ लेख लिखे गए हमें मिले हैं, तो उनके लिए उपयोग में लाया गया पत्थर, किन पत्थरों पर लिखा गया है, वो पत्थर किन भौगोलिक स्थितियों में पाए जाते हैं, उन पत्थरों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो ये सारी चीजों की जानकारी। और ताम्रपट वगैरह पे लिखा गया है या अन्य धातुओं पर लिखा गया है, जैसे प्राचीन हमें सिक्के मिलते हैं तो कभी सिक्के हमारे सामने कांस्य के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, या अन्य धातुओं के सिक्के हैं, या अन्य धातुओं से बने हुए बर्तन हैं, तो वो धातुओं के स्वरूप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी जो इतिहासकार है या जो इनका संरक्षण करने का काम कर रहा है उसे रासायनिक विज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरण और रसायन की जानकारी। संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी आज तो हम टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं, तो संग्रहालय की दीर्घा मतलब गैलरी, संग्रहालय की जो दीर्घाओं में प्रदर्शनी लगाई जाती है या उन वस्तुओं को रखना है, तो उसके लिए प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे उन वस्तुओं को रखा जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कला है ये, और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, तो ये सब जानकारी वो इसका प्रशिक्षण लेना संरक्षित करने वाला जो काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है।
और इस अनुसंधान पर लेखन करना। केवल जानकारी रखना आवश्यक नहीं है, जो जानकारी आपको सब मिल रही है उस पर जो आप शोध कर रहे हो, जो अनुसंधान कर रहे हो, वो सब का लेखन करना, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये सब जानकारी मिलनी चाहिए किसे, जो ये संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहा है। भौतिक साधन, गुफाएं, गढ़, किले, भवन, ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, ये सब भौतिक साधनों के अंतर्गत समाहित होते हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण करना, कालखंड और प्रकारों के अनुसार उनका वर्गीकरण करना, उनकी सूची बनाना, चुनिंदा पुरातन वस्तुओं अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना, पुरातन वस्तुओं का संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं, इसके बाद है पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधान पर लेखों को प्रकाशित करना, वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना और सूची बनाना, चुनिंदा जीवाश्मों अथवा प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं जो मिलती हैं उनको संभालना, उन पर अनुसंधान करना, उनको प्रकाशित करना और वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना। बहुत सारे यदि म्यूजियम आप घूमोगे तो वहां पर हमें प्राणियों का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग विभाग होता है, तो वहां पे हमें उनके जीवाश्म जो है जिनको संग्रहित करके रखा गया है उनको हम देख सकते हैं। और इसी ये सब शोध लोग कर सके इसी कारण आज हम डायनासोर को जानते हैं, अदरवाइज डायनासोर तो 6.5 करोड़ साल पहले लुप्त तो हो गए पृथ्वी से, तो आज हम कैसे डायनासोर के बारे में जानते हैं। ऐसे हम अनेक प्राणियों के बारे में हम जानते हैं, मैमथ हाथियों की एक प्रजाति जो बहुत ही प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में हुआ करती थी, उसके बारे में हमारे पास जानकारी है। क्यों जानकारी है? क्योंकि हमें उनके जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्मों का गहराई से अध्ययन किया गया है। हमें मतलब मैं मेरी और आपकी बात नहीं करती हूँ, हमें मतलब हमारे इतिहासकार, हमारे वैज्ञानिक, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सारे लोग। और इन जीवाश्मों अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी, कई बार हम जीवाश्म सीधे सीधे जनता के सामने प्रदर्शन में रखते हैं और कई बार हम उसका मॉडल बनाते हैं, जैसे डायनासोर के एक ढांचा बनाया गया है उसका प्रस्तुतिकरण बहुत जगह हुआ है, कई जगह उसको, लेकिन वो प्रतिकृति कैसी होनी चाहिए, वो मॉडल कैसा होना चाहिए, एकदम हूबहू जैसा वो ओरिजिनल चीज है वैसा ही। तो ये सब में महारत होनी चाहिए आपको, विशेष योग्यता आपके पास होनी चाहिए, यानी विशेष प्रशिक्षण, योग्यता का अर्थ है वहां से प्रशिक्षण से है, तो ये सब के बाद हम इन यह सारे कार्य हम कर सकते हैं। ये ताम्रपट हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पर नमूने उसके, और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण क्या है कि पुरातत्वीय अध्ययन प्रणाली, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय, पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थरों, खनिजों, धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोतों, यानी भौगोलिक जानकारी हो गई ना प्रादेशिक आने पर, और उनकी रसायन विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान। रसायन विज्ञान यानी केमिकल जो साइंस है ना, केमिस्ट्री जो विभाग है हमारा, उसकी जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। पुरातन वस्तुओं की साफ सफाई महत्वपूर्ण है ये, और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरणों और रसायनों की जानकारी भी चाहिए। केवल रसायन की जानकारी होगी नहीं तो वो रासायनिक प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारे उपकरण भी चाहिए होते हैं, तो यह सारे प्रशिक्षण इतिहासकारों को या जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करता है उसके लिए जरूरी है। विभिन्न कला शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से चित्रकला या वास्तुकला का प्रदर्शन हुआ है, तो वो कला शैली कौन कौन सी है, शैली मतलब प्रकार, तरीका, कौन कौन से तरीके से वो नई नई पेंटिंग बनी है या कोई इमारत बनी है या कुछ अन्य वस्तुएं बनी है, तो वो उसकी जानकारी और उनके विकास क्रम का ज्ञान, पुरातन वस्तुएं और जीवाश्मों की प्रतिकृतियां बनाने का कौशल, मैंने कहा ना प्रतिकृति कैसी हो, एकदम ओरिजिनल के जैसी हो, जरा सा भी उसमें अंतर नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा स्किल है, कौशल है। संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग,
यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण हमने सभी जगह जो कॉमन देखा, अनुसंधान पर लेखन। जो भी अनुसंधान इन सब क्षेत्रों में हुए हैं उन पर सही ढंग से उसको प्रस्तुत करना। आज अपने इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, और उनके संरक्षण के बारे में कौन से प्रशिक्षण जरूरी हैं इसके लिए भी हमने जानकारी ली है। तो अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे विश्व के कुछ विख्यात संग्रहालयों के बारे में। तो अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।